वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आई नो ये बहुत ही लेट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं सिर्फ रील्स ही अपलोड कर रहा हूँ, शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ। सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फाइनली आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक क्या क्या एक्सेसरीज हम कार में लगा सकते हैं। मेरा ये बिलीव है कि अगर हम कार में ज़्यादा हमें कार को एक्सेसरीज की पूरी दुकान नहीं बनानी चाहिए, हमें पूरा आई हैव सीन मेनी कार्स विथ लॉट्स ऑफ मॉडिफिकेशन, बहुत सारे उन लोग एक्सेसरीज डालते हैं, द कार एंड अप लुकिंग वेरी चीप। बट आई डोंट बिलीव इन दिस। मुझे लगता है कि हमें एक्सेसरीज अगर हम लोग कार में डाल रहे हैं तो कार पे सूट भी करना चाहिए। इन दिस वीडियो में आपको बताऊँ कि मैंने मेरी कार, ये जो Hyundai Accent है, इसमें मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज डाली है एंड छोटा छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। बहुत ही बेसिक है जिसमें मैंने हॉर्न चेंज किया है कार का एंड इसमें एक आर्मरेस्ट इंस्टॉल किया है एंड आगे मैट्रिक्स टाइप की लाइट्स डाली है। तो मैं इस वीडियो में आपको सब एक हर एक एक चीज़ बताऊंगा, मुझे क्या कॉस्ट में पड़ी वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, आपको इसका पूरा प्राइस पता चलेगा, डिटेल में आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। सो गाइस, एक्सटीरियर की बात करें तो मैंने सबसे पहले इसमें डोर वाइजर इंस्टॉल किए। ये कॉमन एक्सेसरी है जो कि हर कार में हमें दिखने मिलती है। तो ये मैंने ब्लैक कलर का डोर वाइजर इसलिए लगाया क्योंकि ये कार के बी पिलर के कलर को मैच करता है एंड ये कार को एक थोड़ा प्रीमियम लुक भी दे रहा है क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। इसका बेनिफिट यह होता है कि हम बारिश के टाइम में थोड़ा सा विंडो डाउन करके रख सकते हैं, इससे हमें वेंटिलेशन भी हो सकता है और कार के अंदर पानी नहीं आएगा। सो ये मैंने ख़रीदा है 1000 रुपीज़ में, एक अच्छी क्वालिटी का वाइज़र है। नेक्स्ट मैंने इस कार में मैट्रिक्स टाइप की LED लाइट्स लगाई है जो कि हेडलाइट के ऊपर डायरेक्टली फिक्स करने होती है। ये लाइट के साथ डबल साइडेड टेप आती है, हमें हेडलाइट के ऊपर डायरेक्टली फिक्स करना होता है एंड इसकी वायरिंग करनी होती है। तो ये लाइट्स कार को एक प्रीमियम फील देती है। ये प्रीमियम कार्स में ऐसे टाइप की लाइट्स आती है। तो ये मैंने इंस्टॉल किए है 800 रुपीज़ में। कार अनलॉक और लॉक करने के टाइम भी ये इंडिकेटर लाइट्स चलती है जो कि बहुत अच्छा फील देता है एंड इसमें इंडिकेटर लाइट्स के साथ वाइट लाइट्स भी आती है। जब हम इंडिकेटर लाइट्स ऑफ करते हैं तो ये वाइट लाइट्स चालू हो जाती है जब भी हम लोग हेडलाइट्स ऑन करें तब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैग्नेटिक सनशेड। ये इजीली हम लोग रिमूव फिटिंग कर सकते हैं एंड आपको पता है कि इंडिया में हम टिंटेड विंडोज़ यूज़ नहीं कर सकते, वो इलीगल है, इसीलिए मैंने ये सनशेड्स के लिए ऑप्ट किया। तो ये अंदर हीट आने से बहुत रोकता है एंड कार के AC की कूलिंग में बहुत अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है। तो इस सनशेड में हमें आगे के दोनों साइड में जिप वाला सिस्टम मिलता है जिससे हम लोग इजीली टोल या कोई भी चीज़ें हमें लेनी हो तो हम लोग जिप खोल के इजीली ले सकते हैं एंड रियर के सनशेड में कोई भी जिप सिस्टम नहीं है, ये इसका ड्रॉबैक है। तो ये चारों सेट के सनशेड मैंने खरीदे 800 रुपीज़ में। नेक्स्ट मैंने कार के इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस किए वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें स्टेयरिंग कवर लगाया है, एक कस्टमाइज्ड है टैन कलर का जो कि कार के इंटीरियर को मैच करता है। ये मैंने 400 रुपीज़ में लिया है एंड मैंने कार के सीट कवर को ब्लैक और टैन कलर के कॉम्बिनेशन में मैंने मैच किया है एंड ये जो आर्मरेस्ट है इसको मैंने ब्लैक कलर का रखा है। इसका रीज़न ये है कि सेंटर कंसोल भी जो है वो ब्लैक कलर का है। ये आर्मरेस्ट के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें इसका सारा डिटेल मैंने कवर किया है एंड ये आर्मरेस्ट AC वेंट को बिल्कुल भी कवर नहीं करता है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि आर्मरेस्ट AC के वेंट को कवर तो नहीं करता है एंड इसको मैंने स्क्रू फिटिंग किया है जो कि बहुत ही ईजी है और वो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है और प्रॉपर फिनिशिंग में हो गया है ये। सो ये वुडन आर्मरेस्ट मैंने ख़रीदा है 800 रुपीज़ में। कार के इंटीरियर को मैंने टैन और ब्लैक कलर के मैच का ही रखा है, ये मुझे बहुत ही यूनिक लगा एंड ये मैंने कस्टमाइज़ करके ये सीट कवर बनवाया है। तो पूरे कार का थीम यही कलर का है। ये आर्टिफिशियल लेदर का मटेरियल है एंड ये मुझे कुछ कॉस्ट किया है 6000 रुपीज़ में। सीट कवर का फिटिंग काफ़ी अच्छा है एंड इसे क्लीन करना भी बहुत आसान होता है एंड ये कार को एक अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है। सो गाइस, आर्मरेस्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं इसका फीडबैक आपसे शेयर करूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्राइविंग करते टाइम ये आर्मरेस्ट कितना कंफर्टेबल है। अगर आप हाईवे में ज़्यादा चलाते हो तो ये आर्मरेस्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप देख सकते हो मेरा हाथ इजीली आर्मरेस्ट पर रख के मैं कार चला सकता हूँ। गियर लीवर में हैंड रेस्ट करके ड्राइविंग करना एक बहुत ही बैड हैबिट है, वो आपके गियर्स को आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा। तो ईजिली मैं गियर लीवर में बिना हाथ रखे कार को ड्राइव कर सकता हूँ आर्मरेस्ट की मदद से। नेक्स्ट मैंने कार में हेला के हॉर्न इंस्टॉल किए जो कि मुझे 1700 रुपीज़ में पड़े हैं। हॉर्न रिप्लेस करने का रीज़न ये था कि मेरा ज़्यादा करके हाईवे जर्नीज होता है एंड उसके लिए कार का जो स्टॉक हॉर्न था वो बहुत ही कम पावरफुल था, तो मैंने एक्स्ट्रा रिले लगा के ये हॉर्न फिट किया है। बस यही सारी चीज़ें मैंने कार में इंस्टॉल की है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, मैं जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।